नमस्कार, सुरागिला न्यूज के काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख खबरों पर। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से की खास मुलाकात। कोतवाली पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। कैबिनेट मंत्री रेखारिया ने काशीपुर पहुंचकर सड़क हादसे में घायल श्रमिकों का पूछा हालचाल। कुंडा थाना पुलिस ने तीन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। तीन अभियुक्तों को विद्युत चोरी करते हुए पकड़ा। अब खबरें विस्तार से। मुरादाबाद रोड स्थित मंडी गेस्ट हाउस में प्रदेश के पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ खास मुलाकात की। साथ ही सभी भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मिशन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पशु क्रूरता की घटनाएं तेजी से बढ़ रही थी, जिस पर सैकड़ों मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पशु क्रूरता करते हुए कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ये हमारा फायदा है कि हम आदमी के सुख में, आदमी के दुख में, आदमी की परेशानी में, आदमी के संकट में हमेशा उसके साथ खड़े रहता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और उसी का फायदा, उसी का फल हमको चुनाव में मिलता है। सितारगंज था अपनी विधानसभा में, फिर मैं वहाँ से बागेश्वर गया था, वहाँ पे आपदा की बैठक ली थी और आज काशीपुर में है। लगातार हमारे मंत्रीगण जो है वो आपदा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसके पहले गणेश जोशी जी यहाँ पर आए थे, माननीय अजय भट्ट जी यहाँ पर थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक निर्देश है कि इस वक्त बारिश का सीज़न है, अब अगस्त तक बारिश होती है, तो जहाँ जहाँ पे भी आपदा आने के चांसेस हैं या आपदा आई हुई हैं वहाँ पर जाके उस किस तरीके से उसको संभालना है, किस तरीके से उसकी तैयारी करनी है, सारे मंत्रीगण और हमारे MP उसी में इस वक्त व्यस्त हैं। आज काशीपुर में आया हूँ, कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठा हूँ। चुनाव का सीज़न है, चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, उसकी तैयारी है, पार्टी के कार्यक्रम हैं, उसकी तैयारियों के लिए कार्यकर्ताओं से निवेदन करने आए हैं कि लगातार ये जोश जो है बरकरार रखना है और पब्लिक तक जाके जनता सरकार की योजनाओं को वहाँ तक पहुँचाना है। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ TC द्वारा चलाए जा रहे अवैध शस्त्रों की रोकथाम हेतु अभियान में कोतवाली पुलिस ने एक अभियुक्त को दड़ियाल रोड के पास एक खाली फील्ड से गिरफ्तार किया। साथ ही पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से एक अदद नजायज चाकू भी बरामद किया है। अभियुक्त के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय समक्ष पेश किया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या काशीपुर पहुंची, जिसके बाद सड़क हादसे में घायल श्रमिकों का मुरादाबाद रोड स्थित एक हॉस्पिटल जाकर उनका हालचाल जाना। आपको बता दें कि बीते दिनों रामनगर रोड स्थित एक फैक्ट्री के श्रमिकों को रामनगर से एक निजी बस लेकर आ रही थी। जैसे ही बस रामनगर रोड स्थित ग्राम थनौरी पट्टी के पास पहुंची तो अनियंत्रित होकर बस पलट गई, जिसमें श्रमिक घायल हो गए थे और एक की मौके पर ही मौत हो गई थी। डॉक्टरों द्वारा कैबिनेट मंत्री रेखारिया को विभिन्न चीजों से अवगत कराया गया है, जिसके बाद उनके द्वारा घायलों के सही इलाज करने के निर्देश दिए गए हैं। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ TC द्वारा चलाए जा रहे अवैध सट्टे की रोकथाम हेतु अभियान में कुंडा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अनाज मंडी में सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पकड़े गए तीनों अभियुक्तों के कब्जे से एक ताश की गड्डी और 5,500 रुपए की नकदी भी बरामद की। तीनों अभियुक्तों को सट्टा अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय समक्ष पेश किया है। की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते,
पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। काशीपुर विद्युत विभाग द्वारा लगातार विद्युत चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिस दौरान काशीपुर क्षेत्र में 3 अभियुक्तों को विद्युत विभाग की टीम ने विद्युत चोरी करते हुए पकड़ लिया। साथ ही पकड़े गए 3 अभियुक्तों के विरुद्ध विद्युत अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी के लिए इतना ही। काशीपुर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागिला न्यूज चैनल के साथ।